तो डॉकिंग स्टेशन पे ऐसे लगेंगे। इसके साथ तो हमें मिलते हैं ये कॉम टाइप, ये सारी चीज़ें। गाइज एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, आप इसको यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे और ऐसे ही निकल जाएगा। तो यहाँ से आप, तो गाइज ये वाला जो है ये ज़लेड है, ये वाला जो है ये बीड होगा। आप साइज़ में डिफरेंस देख सकते हैं। एंड दोनों अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ साइड बाय साइड, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की LED। हेलो एंड नमस्ते गाइज, कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो ट्रिमर हैं, एक स्लेड का बैलिस्टिक और दूसरा है बियर्ड का इनक्रेडिबल ट्रिमर। गाइज ये जो ट्रिमर हैं ये दोनों ही दोनों हॉट सेलिंग ट्रिमर्स है। एक मैनहुड का भी आता है, वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, पर ये उतने महंगे नहीं पड़ते। ये थोड़ा कम कॉस्ट का पड़ता है और ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट का पड़ता है। एंड कॉस्ट मैं आपको बताऊँगा, वीडियो में बने रहो, ठीक है? सब कुछ आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम गाइज इन जो ट्रिमर्स है इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, हैंड्स ऑन भी करेंगे, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सो दैट आपको अगर ख़रीदना है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट? आपको आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं ज़लेड बैलिस्टिक की। इसका गाइज बॉक्स आप देख सकते हैं बड़ा है, इसका बॉक्स छोटा है, ठीक है? ऑल दो गाइज ये ट्रिमर जो हैं एकदम आइडेंटिकल हैं। इसमें भी यहाँ पर हमारे पास जो बटन है वो ऊपर ही दिया हुआ है ऑन ऑफ करने का, और उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास LED भी है। इसमें भी LED है, ज़लेड में भी और इन बियर्डो के अंदर भी। और यहाँ पे हमारे पास स्टैंड भी है गाइज, जिस पे आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं। इसका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे LED इंडिकेटर है। इसके अंदर आपको बैटरी दिखाता है कितनी आपकी बैटरी बाकी है, राइट? तो गाइज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज़लेड के साथ। अब गाइज ज़लेड के अंदर जो बॉक्स के ऊपर स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं वो आप देख सकते हैं। इसको आप अंडर आर्म्स बॉडी ग्राउन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो रनिंग टाइम है वो है 1.5 आवर्स, जो कि होगा 90 मिनट्स। एंड ये गाइस साइलेंट ट्रिमिंग करता है, इसमें स्पेशल लिखा हुआ, हम देखेंगे बाद में कि ये साइलेंट करता है या नहीं करता है। उस वक्त बॉक्स के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटरप्रूफ फुल बॉडी ट्रिमर है गाइस, IP7 रेटिंग है इसकी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है अ प्राउड इंडियन इंटरप्राइज। इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे जब मैं इस बॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या चीज़ नहीं लिखी जो इनको लिखनी चाहिए थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 एडजस्टेबल कॉम है, LED लाइट है गाइस, दिस इज़ वेरी यूजफुल। एंड सिरेमिक ब्लेड है गाइस इसका। तो गाइस जो ये वाइट वाला आप देख रहे हैं ब्लेड, ये सिरेमिक का होता है। सिरेमिक से क्या होता है कि ये जो बॉडी के ऊपर सेफ रहता है और कहीं पर भी कट वट नहीं आते। ये लिखा है गाइज IP7 रेटिंग इसके अंदर, सेफ एज है क्योंकि इसके अंदर सिरेमिक प्लेट दिया हुआ है, सेंसिटिव कॉम है, और ये इसके अंदर ट्रू वायरलेस चार्जिंग है। बस गाइज ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। एंड अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं नीचे दिए गए लिंक से आप बाय कर सकते हैं। मैं अमेजन, फ्लिपकार्ट और बाकी वेबसाइट्स के लिंक भी नीचे डालने वाला हूँ। और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं बियर्डो का जो बॉल ट्रिमर है, इनक्रेडिबल ट्रिमर, ये गाइज जो है ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है और ये साइज़ में थोड़ा छोटा है, राइट? अब बात करते हैं इसके ऊपर जो स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। ये भी गाइज स्किन सेफ टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसमें भी गाइज यूज़ किया गया वाइट वाइट आप देख सकते हैं सिरेमिक, राइट? उसके बाद ये वाटर रेजिस्टेंट है, IP5 रेटिंग है इसके ऊपर, मतलब इसको आप पानी के अंदर डाल नहीं सकते, इमर्स नहीं कर सकते, पर इसको आप पानी के अंदर डाल सकते हैं, इसको आप सिर्फ पानी के अंदर धो सकते हैं, काइंड ऑफ शावर प्रूफ हो गया। LED लाइट है गाइज इसके अंदर, जो कि अच्छी बात है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाएगी। और पीछे वारंटी के लिए यहाँ पर स्कैन बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं LED डिस्प्ले, पावरफुल मोटर। गाइज इसकी जो मोटर है उसकी जो RPM है वो मेंशन नहीं है कहीं पे, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं। ऑल्दो अमेजन के ऊपर मेंशन किया हुआ था जब मैंने ऑर्डर किया था इसकी, जो कि ज़लेड की मेंशन की गई थी, पर बियर्डो की वो भी मेंशन नहीं की हुई थी। पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पावरफुल मोटर है, सिरेमिक ब्लेड है। इसका जो डिज़ाइन है वो एर्गोनॉमिक है और ये चार्जिंग डॉक के साथ हमें मिल जाता है। अब गाइज मैं पीछे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रिमर है और ये चीज़ गाइज मेड इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। गाइज को चाइना में बनाया गया है, इसको इंपोर्ट किया गया है इंडिया के अंदर, बट इसमें इंपोर्टर का नाम मेंशन किया हुआ है, पर इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कहाँ पर बना हुआ है। अमेजन की वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन भी चाइना है, तो उनको यहाँ पर लिखना चाहिए था जो इन्होंने लिखा है, जो कि एक प्लस बात है। मतलब ज़लेड वालों ने नहीं लिखा पर बियर्डो वालों ने लिखा है, राइट? तो गाइज अब एक काम करते हैं, हम वन बाय वन इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड आई विल शो यू हमें अंदर क्या देखने को मिलता है। तो गाइज सबसे पहले मैं ओपन करूँगा ज़लेड।
इसको नॉर्मल बॉक्स है ऐसे पकड़ के रखेंगे तो अपने आप नीचे निकल जाएगा। चलो तो गाइज ये हो गया एंड आप देख सकते हैं गाइज ऐसे पैकिंग में हमें देखने को मिलता है। इसको निकालना है तो ऐसे करके निकालो और यहाँ से इसको आप पकड़ के निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ट्रिमर को साइड में रखते हैं हम और हम देखते हैं हमें अंदर क्या मिलता है। हमें मिल रहा है गाइज एक चार्जिंग डॉक जो क्वालिटी वाइज सही है और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगा USB-C टाइप राइट, जो बहुत ही कॉमन चार्जिंग पोर्ट है आजकल हर जगह मिल जाती है केबल इसकी। और इसके अंदर ये कॉम्स देखने को मिलती हैं गाइज, इसके कॉम्स की क्वालिटी ठीक ठाक है एंड ये दो हैं गाइज, आप एक साइड यूज़ करेंगे तो एक नंबर, दूसरी साइड यूज़ करेंगे तो दूसरा नंबर। और इसके जो नंबर हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं गाइज, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये ब्रश है जो दोनों साइड साफ कर सकते हैं। और गाइज हमें जो कॉम मिलती हैं वो मिलती हैं एक्चुअल में तीन राइट, तो ये दूसरी हो गई एंड तीसरी मैं आपको बताऊंगा कहाँ है। उससे पहले हम देखते हैं गाइज केबल USB-C टाइप केबल एंड जो तीसरा कॉम है गाइज 1.5 mm का है, ये इसके ऊपर लगा हुआ ऑलरेडी ठीक है गाइज 1.5 mm का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रिमर है ये रबरी फिनिश के साथ आता है गाइज, यहाँ पे रबरी फिनिश आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी LED है, मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है 90 मिनट्स लेफ्ट। और इसकी आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ, इसकी आवाज़ गाइज आप सुन सकते हैं। तो गाइज अब ये साइलेंट है कि नहीं ये आप मुझे बताइएगा। तो गाइज़ यहाँ पे एक LED भी है जो काफ़ी अच्छी रोशनी देती है, ये अभी रोशनी में इसको नहीं पता लग रहा होगा कि कितनी लाइट इसकी है, पर मैंने इसे कट किया था तो मुझे ये LED बहुत यूज़फुल लगी एंड इसको बंद कर देते हैं गाइज हम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रबरी फिनिश के साथ आता है, थोड़ा सा हाथ में मतलब थोड़ा सा बड़ा गाइज लगता है ये एक्चुअल में। गाइज एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, आप इसको यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे और ऐसे ही निकल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको वॉश कर सकते हैं राइट, एंड ऐसे इसके अंदर यहाँ पे ये मोटर चलती है जो कि अब तो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है ठीक है। यहाँ पे आप इसको वॉश कर सकते हैं इजीली, इसको यहाँ पे भी वॉश कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था गाइज ट्रिमर ज़्लेड वाला। अब हम बात करते हैं गाइज बियर्डो ट्रिमर की। इसको बंद करना गाइज बहुत ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर आप इसको ऐसे रख के ऐसे फिट कर सकते हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं इस बियर्डो के ट्रिमर की राइट, इसको खोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसको यहाँ से पुश करना पड़ेगा हमें, यहाँ से बाहर निकल गया। अब जो इसके अंदर का बॉक्स है गाइज अब वही बॉक्स है जैसे हमने उसको खोला था, इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे एंड उतना स्मूथ नहीं है गाइज जितना निकल रहा है, पर थोड़ा थोड़ा जितना ज़्लेड का था उतना स्मूथ नहीं है, पर ये भी ऐसे ही खुलता है। चलो गाइस इसके अंदर हमें देखने को मिलता है पैकिंग और इस पर कोई भी ऊपर वो नहीं लगा हुआ जैसे उसमें ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की फिल्म लगी हुई थी। तो ये देखिए गाइस इसकी शेप कैसी है नो वर्ड्स। एंड इसके बाद हम ट्रिमर को भी साइड में रखते हैं फिलहाल, इसके अंदर हम और देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसके अंदर गाइस हमें देखने को मिलता है ये जो कि है इसका डॉकिंग स्टेशन जहाँ पे हम इसे रख सकते हैं स्टैंड पर। इसमें जो गाइस चार्जिंग पोर्ट है वो दूसरा है राइट, और साथ में हमें मिलता है क्लोथ ये पाउच सा जिसके अंदर हम इसको रख सकते हैं जो कि अच्छी चीज़ है। ऑयल भी मिलता है गाइस लुब्रिकेटिंग ऑयल। उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये कॉम्ब। अब गाइस उसके अंदर जो कॉम्ब थे वो दोनों तरफ दिए हुए थे राइट, इसके अंदर अलग अलग कॉम्ब है तो जो कि अच्छी चीज़ है। ये देख सकते हैं आप 2.5 का है, ये 1.5 का है, 3.5 का है, 4.5 का है। जो गाइस बियर्डो के साथ एडजस्टेबल कॉम दी हुई हैं वो 0.5 नंबर वाली हैं, शायद लाइक 1.5 2.5 ऐसे हैं और वो अलग अलग है राइट, दोनों साइड नहीं है, इसमें उतनी कॉस्ट कटिंग नहीं करी हुई। पर जो ये वाली है ये पूरी पूरे नंबर की है लाइक 4, 5, 3 राइट, 2 बस जो फर्स्ट है वो है 1.5 की। तो ये डिफरेंस पहला हो गया इसके अंदर। एंड अगर इसकी जो डॉकिंग स्टेशन है जो स्टैंड है
वो आप देखें तो ये इसके अंदर 3.5 mm की केबल नहीं है, तो अगर ये ख़राब होता है तो आपको अलग से केबल ये वाली परचेज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद अब आते हैं गाइस ट्रिमर के ऊपर, जो हमने इसको साइड में रख दिया था, जो बियर्डो का ट्रिमर है, राइट। इस ट्रिमर की क्वालिटी मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले आपको ये चला के दिखा देता हूँ, उसकी साउंड भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। एंड गाइस इसके अंदर भी LED इंडिकेटर है, आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस कैन सी और नॉट, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिम जो है लाइट में आपको LED दिख रही है। एंड ये भी प्रॉपर नंबर ही दिखाता है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पे भी LED है गाइस। गाइस जो दोनों की LED है वो सेम है, राइट। मतलब दोनों की जो LED की लाइट है, जो इंटेंसिटी है, वो बिल्कुल सेम है। एंड अभी मैं आपको इसकी क्वालिटी बता देता हूँ गाइस। इसकी क्वालिटी भी रबरी फिनिश है, पर जो ZLED की क्वालिटी थी वो ज़्यादा अच्छी थी। एंड इसको भी गाइस आप ऐसे करके, ये जो खुलता है ये ज़्यादा ज़ोर लगा के खुलता है, जबकि जो ZLED वाला था वो इजीली खुल रहा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मोटर सेम, बिल्कुल सेम गाइस, दोनों की बनावट है, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल सेम है। इसको भी आप ऐसे यहाँ पे रख के ऐसे बंद कर सकते हैं गाइस। अभी मैं दोनों आपको दिखाता हूँ साइड बाय साइड, राइट। तो गाइस ये वाला जो है ये ZLED है, ये वाला जो है ये बीड होगा। आप साइज में डिफरेंस देख सकते हैं गाइस, और वो हो भी क्यों ना गाइस, ये जो आता है ये इसके डबल प्राइस का आता है, मतलब बीड़ों का जितने का आता है उससे डबल में ZLED आता है। तो यहाँ पे आप साइज में भी डिफरेंस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट डबल ही है, राइट। एंड दोनों अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ साइड बाय साइड, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की LED आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही लाइट है दोनों की। और RPM में मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, मतलब मैंने दोनों यूज़ करके देखे तो मुझे दोनों ही सही लगे, और दोनों ही जो इनका काम है हेयर कट करने का, वो बहुत ही ज़्यादा इजीली कर रहे थे। ये गाइस बियर्डो है, ये ZLED है, बस इसका हेड थोड़ा बड़ा है, इसका हेड थोड़ा छोटा है, जो कि दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज है गाइस। इसका हेड बड़ा है तो आपको अगर फेस कट करना है या बॉडी के हेयर कट करने हैं तो आपको राउंड कम लगेंगे और ये ज़्यादा बाल काटेगा। पर ऑन द अदर हैंड कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपको छोटे हेड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ये वाला ट्रिमर आपके काम आएगा। तो ऑल एंड ऑल मुझे दोनों का हिस्सा ही लगे, ठीक है। दोनों अपना काम बखूबी करते हैं, दोनों के दोनों ट्रिमर जो हैं वो अच्छे से चलते हैं, और दोनों के ऊपर सिरेमिक ब्लेड भी है जो कि स्किन के ऊपर सेफ है। एंड अगर प्राइस पॉइंट को देखा जाए तो मेरे हिसाब से बियर्डो विल बी द बेस्ट, क्योंकि ये सस्ता मिलता है और काम ये ZLED जैसा ही करता है। गाइज इन दोनों ट्रिमर को चार्ज करना बहुत ईजी है। यहाँ पे आप देखिए मैंने USB टाइप पावर बैंक के अंदर लगा दिया, तो आप पावर बैंक से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये जो बियर्डो वाला है इसको मैंने रख दिया है यहाँ पे डॉकिंग स्टेशन पे, जो कि बहुत ही ईजिली है, देखिए आप रखा जाता है यहाँ पर, कि इसको आप ईजिली ऐसे रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है, देखिए, तो ऐसे ये चार्ज होता है गाइज। और ऑन द अदर हैंड ZLED का है बैलिस्टिक, वो भी ऐसे चार्ज होता है, देखिए चार्ज होना स्टार्ट हो गया। इसकी जो गाइस LED है वो थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है तो वो इजीली दिख जाती है, देखिए आपको यहाँ पे फ़र्क दिख रहा होगा, जबकि इसकी LED वो उतनी ब्राइट नहीं है, देखिए, तो इसको देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। एंड यहाँ पर ये इसका USB-C टाइप से चार्ज हो रहा है, और ये इसका अपना ही कोई पोर्ट दिया हुआ है उससे चार्ज हो रहा है। और गाइज अगर आप इन दोनों ट्रिमर्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट और दूसरी वेबसाइट्स के लिंक मैंने डाले हैं नीचे, वहाँ से आप प्राइस भी चेक कर सकते हैं इनका। ये जो है गाइज ये अराउंड मुझे पड़ा था 2500 समथिंग का, और ये मुझे पड़ा था गाइज अराउंड 1300 का। अगर आप यहाँ पे पूरा जो पैकेज देखें तो मैं बोलूँगा कि बियर्डो जो है वो एक बहुत ही अच्छी डील है गाइज, क्योंकि दोनों काटते सेम है, दोनों के अंदर सिरेमिक ब्लेड है जो कि स्किन के ऊपर सेफ है, और ये दोनों के दोनों गाइज अपना काम बखूबी करते हैं। गाइज आपने यूज़ किया तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सा सही लगा, वो और लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो ये ट्रिमर लेना चाहते हैं। गाइज कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस, बाय बाय।